रियासत काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार दशहरा के दिन कांकेर राज परिवार द्वारा अंगा देवताओं की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस वर्ष भी 60 गांव से अधिक गांव के हजारों लोग यहां पहुंचे। देव मिलन समारोह में सभी अंगा देव की विशेष पूजा अर्चना राज परिवार द्वारा की गई। राज दरबार में एक साथ अंगा देव सहित सभी देवी देवताओं को विधि विधान से चारों तरफ पूजन करते हुए घुमाया गया, उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई गई। सभी देवी देवताओं के साथ राजमाता त्रिपुरेश्वरी महाराज कुमार सूर्य प्रताप देव अश्विनी प्रताप देव सहित राज परिवार के सदस्यों ने पूजा अर्चना की। बता दें कि कांकेर जिले में वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। दशहरे के एक सप्ताह पहले तक आसपास के क्षेत्र में स्थित मंदिरों के अंगा देव शहर के स्थित मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। इसके पश्चात दशहरे के दिन बाजे गाजे के साथ राजमहल में प्रवेश करते हैं। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में विदेश से सैलानियों का आगमन हुआ। सैलानियों ने कहा कि हम भारत में तो कई बार आए हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत नजारा, सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरागत निभाई जा रही है, एक नए भारत जैसा अनुभूति हो रही है। कांकेर से मन्नू कुंदू की रिपोर्ट। ये जो है कार्यक्रम, ये दशहरा का मुख्य पर्व का कार्यक्रम है और ये बहुत ही पुराना कार्यक्रम है, बहुत पुरानी परंपरा है जो हमारे कांकेर जो स्टेट हुआ स्टेट का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है। अब तो स्टेट नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पर्व जो है Switzerland and coming just for this event, for this festival. How is this festival? It's outstanding. It's so special. We are most pleased to see all these people so peaceful, happy. We are most impressed also by the artwork, when we see all the decoration, when we see all the dresses. It's outstanding. It's really very, very special. It's worth the trip to have a trip. Which is long, about 10,000 kilometers. Is your first time in India? No, I have been many times in India. About more than a dozen times. Pardon? First time in this part, yes. Because we wanted to be in the real heart
of India, we consider your country as the real heart of India. You want to come again here? I'm sure. Especially when we see the kindness of all the people here.